नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं मऊ जिला के कोपागंज में और आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। राज्य की पशु चिकित्सालय एवं गर्भाधान केंद्र कोपागंज जनपद मऊ, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उधर सरकार दावा कर रही है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु मेला लगाकर, और बड़े बड़े दावा किए जा रहे हैं कि पशुओं के जो भी जितने भी अस्पताल हैं या जितने भी केंद्र हैं उनको हम लोग बेहतर कर रहे हैं। पर वही कोपागंज में मौजूद एक हॉस्पिटल है, पशु हॉस्पिटल है, सामने राज्य की पशु चिकित्सालय है और जिस तरह से इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप देख कर ये आकलन लगा सकते हैं कि ये तस्वीरों में कितनी सच्चाई कितनी है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े बजट लग बनाकर, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम धरातल पर स्थिति सब कुछ सुधार चुके हैं, मगर यहाँ पे जिस तरह से अतिक्रमण है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये तस्वीरें छिपी नहीं हैं और ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो भी दावे किए जा रहे हैं वो सारे झूठे हैं। इधर एक दीवाल है वो गिर चुकी है, मगर इसके नाम पे जो बड़े बड़े बजट बनाए जाते हैं, मेले का आयोजन किया जाता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाई जाती हैं, मगर क्या सच में भी तस्वीरें धरातल पे सच में तस्वीरें सही हैं, ये देखने के लिए आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह से दीवाल गिरा हुआ है और अतिक्रमण के चपेट में है, जिस तरह से अगल बगल के लोग इसमें गंदगी का अंबार लगाए हुए होते हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार और थोड़ा सा जूम करके देखें कि स्थिति क्या है, आखिरकार ये कौन है, इसका जिम्मेदार और किससे किया जाए सवाल, जब बड़े बड़े दावे करने वाले लोग, सरकार में बैठे हुए लोग और बैठे हुए अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि स्थितियां बिल्कुल सही हो चुकी हैं और तमाम योजना चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, मगर क्या सच में स्थिति ठीक है? आप एकदम तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ये ठीक कोपागंज ब्लॉक से 100-200 मीटर की दूरी पे है, जहां बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, वहां पे ब्लॉक में भी बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है कि स्वच्छता, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत मिशन, तमाम योजना चलाई जा रही हैं, मगर ठीक ब्लॉक से 200 मीटर दूरी पे बनारस गोरखपुर ये हाईवे है जिससे बड़े बड़े अधिकारियों का, बड़े बड़े नेताओं का आना जाना होता है, मगर स्थिति इस हॉस्पिटल की क्या है आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पे इलाज करने के लिए पशु आते हैं, मगर जो हॉस्पिटल खुद बीमार हो वहाँ पे वो दूसरे का इलाज क्या करेगा, आप खुद सोच सकते हैं। आइए, एक अधिकारी हैं चाहे डॉक्टर साहब हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते